डीएनए आइसोलेशन जो है लेबोरेटरी में, क्लियर। तो डीएनए आइसोलेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है जो आपके कोर्स में है ना। तो दो मेथड क्या है, एक तो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, है ना। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं किचन मेथड। क्या बोलते हैं? किचन मेथड, ठीक। और दूसरा है आपका लेबोरेटरी मेथड। किचन मेथड आपको प्रैक्टिकल में है जस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन, है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि डीएनए कैसे निकालते हैं और कैसा दिखता है उसके लिए। तो ये आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा, तो मैं इसको ओरली बता दे रहा हूँ, कुछ करना नहीं होता है। आप कोई भी सैंपल ले लीजिए, मटर का दाना ले लीजिए, ठीक है, ठीक, या फिर पालक स्पिनच। तो जितना आप अपना सैंपल लेंगे, जितना आपका मटेरियल है, चाहे वो मटर है या फिर स्पिनच है, उसका डबल अमाउंट कोल्ड वाटर एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए, ठीक। यानी एक मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, उसमें मटर डालिए और जितना मटर है उसका डबल अमाउंट ठंडा पानी डाल दिया कोल्ड वाटर। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक, दो चुटकी नमक डालिए, और नमक डालने के बाद मिक्सर ग्राइंडर को ऑन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो एकदम फाइनली टूट जाए, है ना, और एक थिक सॉल्यूशन के फॉर्म में वो नजर आए। फिर उस सॉल्यूशन को लीजिए, फिल्टर करिए, फिल्टर करिए, और जो फिल्ट्रेट है उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में कलेक्ट करिए। जो आपका ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा उस ग्रीन सॉल्यूशन को बॉइलिंग ट्यूब में कलेक्ट करिए। उसमें अब आपके क्या है, आइसोलेटेड सेल्स है, ठीक है। अब उन सेल्स को तोड़ना है, तोड़ करके उसमें से डीएनए बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, ठीक है, उसके लिए उस बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग डालते हैं थोड़ा सा इजी आता ना ऊनी कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो वो लिक्विड डिटर्जेंट है, ठीक है। उस लिक्विड डिटर्जेंट का थोड़ा सा अमाउंट उसमें डालेंगे, थोड़ा सा मतलब लगभग 1 ml के आसपास, 1 ml उसमें डाल दीजिए। और एक एंजाइम्स का मिक्सचर आता है, ठीक है, जो प्रोटीन्स वगैरह को सॉफ्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको बोलते हैं मीट टेंडराइजर, है ना। तो मीट टेंडराइजर का एक चुटकी डाल दीजिए और 10 मिनट ट्यूब को रख दीजिए। 10 मिनट आप रख देंगे तो जो सेल्स होंगी वो उसमें लाइस कर जाएंगी, है ना, और डीएनए जो है वो बाहर आ चुका होगा। अब उस सैंपल का थोड़ा सा अमाउंट एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है आपका, तो यहाँ तक आप अपना सैंपल भर लीजिए, है ना। और चिल्ड इथेनॉल, 100% प्योर इथेनॉल, चिल्ड का मतलब कम से कम उसका टेम्परेचर 0 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है -20, लेकिन ठीक है अगर 0 से कम है तो भी आ जाता है। और आप उसको, उस इथेनॉल को उस टेस्ट ट्यूब में ट्यूब के सहारे स्लोली स्लोली डालिए, ठीक है, पोर करिए। तो जब आप स्लोली पोर करेंगे वॉल के सहारे, तो आप देखेंगे कि जो आपका मटर का सॉल्यूशन था उसके ठीक ऊपर एल्कोहल की लेयर बनेगी, है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर, एल्कोहल मिक्स नहीं होगा, एल्कोहल ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ऊपर एक लेयर बनेगी और फिर उसको ऐसे ही रख दीजिए। विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा उस एल्कोहल की वजह से, और एल्कोहल में निकल करके दिखेगा आपको, तो व्हाइट व्हाइट फाइबर जैसा डीएनए आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, और फिर आकर के कलेक्ट हो जाएगा टॉप पे, ठीक। तो ये जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज किचन मेथड। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या है, देखिए मैंने एक सेल बनाया हुआ है, एक नॉर्मल सेल को अगर देखें तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए ये बाउंड्रीज है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, इन सबको तोड़ना है और ब्रेक करके तब हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सेल कौन सा है, यानी मटेरियल क्या है। हम एनिमल सेल से भी डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, प्लांट सेल से भी कर सकते हैं, फंगस से भी कर सकते हैं, और बैक्टीरियल सेल से भी कर सकते हैं। तो जो भी सैंपल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग एंजाइम होंगे जो उनके सेल वॉल को तोड़ेंगे, है ना, सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, और मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कुछ केमिकल एजेंट्स हमारे पास होते हैं। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल, ठीक, दूसरा फंगल, फंगल सेल, देन बैक्टीरियल सेल एंड एनिमल सेल, ये सैंपल्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्लांट सेल को तोड़ना है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो है हमारा सेलुलेज, जो सेलुलोज को डिस्ट्रॉय करेगा, डिग्रेडेट करेगा, और पेक्टिनेज,
जो पेक्टिन को डिस्ट्रॉय करेगा, तो सेलुलेज और पेक्टिनेज ये होंगे। उसी तरह फंगल सेल अगर है तो फंगल सेल में हमारे पास क्या होगा, काइटिनेज, क्योंकि फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, तो काइटिनेज एंजाइम का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए, इसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होगा दैट इज लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ेगा। और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए, तो सेल वॉल को ब्रेक हम लोगों ने कर लिया। अब अगला टारगेट हमारे पास मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में सबसे मेन चीजें होती हैं वो है लिपिड्स, क्योंकि मेम्ब्रेन में ज्यादा अमाउंट लिपिड है और वो लिपिड ही उसका मेन बेस होता है जो लिपिड इंट्रैक्शन से बनता है। तो लिपिड के बीच कौन सा इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक, तो उस हाइड्रोफोबिक फोर्स को तोड़ने के लिए हमें आयनिक डिटर्जेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए मेम्ब्रेन के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, फॉर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे आयनिक डिटर्जेंट, और साथ में मिलाते हैं EDTA, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका, है ना, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, और ये होता है चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट। तो चिलेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये डाइवेलेंट कैटायन को चिलेट कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सेल वॉल और मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देने वाले जो कैटायंस होते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस यानी कैल्शियम मैग्नीशियम, उनको भी तो हटाना पड़ेगा ताकि वो मेम्ब्रेन को कमजोर कर पाए। तो इसीलिए उन आयंस को निकालने के लिए, चिलेट करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, EDTA। इससे मेम्ब्रेन और सेल वॉल जल्दी कमजोर हो जाती है, जल्दी टूट जाती है ना। तो ये सब में डालेंगे, इसमें भी, ठीक है, फंगल सेल होगा तो भी सब में, क्योंकि मेम्ब्रेन तो सब में है और एनिमल सेल में सिर्फ इसी की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेल्स को तोड़ लिया और तोड़ करके उसका जो बाउंड्री है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि DNA जो है सेल में से निकल करके बाहर सॉल्यूशन में आ जाए, ठीक है। ये सारा काम हम लोग किसमें करेंगे, एक ट्यूब में, एक बॉडी ट्यूब ले लीजिए या टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, इसमें आप अपना सैंपल रख लीजिए और ये सारी चीजें मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर रख दीजिए, है ना, थोड़ी देर बाद वो रिकॉर्ड हो गया, क्लियर। तो जो भी आपका सेल सैंपल है उसका सॉल्यूशन आपने उस ट्यूब में लिया, एक ट्यूब में, और अपना जो भी जैसा भी सैंपल था, प्लांट बैक्टीरिया जो भी, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम EDTA यानी डिटर्जेंट आपने डाला, ठीक है। डालने के थोड़ी देर बाद आप उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो जब सेल लाइस हो रहा है, टूट रहा है, लिसिस हो रही है, तो लिसिस होने के बाद सेल वॉल के टुकड़े जनरेट होंगे, मेम्ब्रेन्स के टुकड़े जनरेट होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह सब स्प्रेड होंगे, तो वो सब सेल डेब्रीज में कंसीडर किया जाता है, यानी कचरे के तौर पे। तो जो सेल डेब्रीज है उसको अब अलग करना है, ठीक है। तो अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये ट्यूब हमें इस तरह से दिखेगी, इस तरह से जो भी सेल डेब्रीज है ना, सेल डेब्रीज, ये सेल डेब्रीज हमें पैलेट के फॉर्म में मिलेगा, जो सॉलिड डिपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पैलेट, और जो क्लियर लिक्विड बच गया उस क्लियर लिक्विड को बोलेंगे सुपर नेटेंट। तो सुपर नेटेंट हो गया और पैलेट हो गया। इस सुपर नेटेंट में हमारा क्या है, इस सुपर नेटेंट में हमारा DNA है, RNA है, और DNA के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन, क्योंकि DNA क्रोमोसोम के फॉर्म में है तो उसके साथ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जुड़े हुए हैं ना, यानी बेसिक प्रोटीन्स इसके साथ एसोसिएशन में है, बेसिक प्रोटीन्स। तो ये सभी चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, इस सुपर नेटेंट ने को अलग ट्यूब में लेना है, और अलग ट्यूब में लेने के बाद उसमें से RNA और प्रोटीन को रिमूव करना है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, टेक इन सेपरेट ट्यूब, क्लियर। उस तरह से एक सेपरेट ट्यूब में इसको भर लिया, सुपर नेटेंट को भरने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे क्या चीज, देखो RNA को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग मिक्स करेंगे RNAs,
है ना, और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे, ठीक है। तो आरएनएज और प्रोटीएज मिलाएंगे, मिलाने के बाद थोड़ी देर रखेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि वो अपना काम कर ले, और थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐड चिल 100% प्योर इथेनॉल, है ना। तो चिल का मतलब यहां टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ठंडा होना चाहिए ताकि बेहतरीन रिजल्ट आपको मिले। तो चिल इथेनॉल 100% डालेंगे, 100% क्यों, क्योंकि पानी नहीं होना चाहिए, है ना, तभी प्रेसिपिटेशन बढ़िया से आएगा। तो 100% इथेनॉल लेंगे, और इसके बाद आप जब इसको ट्यूब में पोर करेंगे तो आपको ट्यूब में डीएनए का फाइबर सॉल्यूशन में इस तरह से तैरता हुआ दिखेगा। तो दिस इज डीएनए फाइबर, ठीक। तो इस तरह से डीएनए फाइबर अलग हो गया। अब इस डीएनए फाइबर को निकालना है, तो निकालने के लिए आप ग्लास रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ग्लास रॉड, ग्लास रॉड डाल करके, ठीक है, उसको थोड़ा सा रोटेट करिए, डीएनए उसको चिपक जाएगा, फिर पुल कर लीजिए, आउट कर लीजिए। तो ग्लास रॉड की मदद से जब आप डीएनए को आउट करते हैं, है ना, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डीएनए इज पुलिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए इज पुलिंग। डीएनए इज पुलिंग का मतलब क्या रहा, आइसोलेशन ऑफ, सॉरी, डीएनए स्पूलिंग का मतलब रहा रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड की मदद से आप डीएनए को पुल कर रहे हैं, तो पुल करने को हम लोग डीएनए स्पूलिंग बोलते हैं, क्लियर। तो ये हमारा तरीका होता है, ठीक। इसके अलावा और भी ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड है, जैसे लेबोरेटरी में अगर बहुत प्योर ग्रेड का डीएनए हमें चाहिए तो हम उनमें इन सब चीजों को मिलाने के बाद, ठीक है, इस सॉल्यूशन में मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म और फिनॉल, दोनों मिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेकर के शेक करके उसमें मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके फिर सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। तो जब सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो तीन लेयर बनेगी, एक फेनोलिक लेयर, उसके नीचे एक्वस लेयर, और उसके ऊपर एक पतला सा प्रोटीन का प्रेसिपिटेट का लेयर, है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर पाइपेट की मदद से धीरे धीरे पाइपेट को अंदर ले जाएंगे, और एक्वस लेयर जो सबसे नीचे वाली है जिसमें डीएनए होगा, प्योर डीएनए, उसको हम धीरे से पाइपेट में सक करके आउट कर लेते हैं, और फिर उसको दूसरे ट्यूब में पोर कर लेंगे। पोर करने के बाद उसके बाद इथेनॉल मिलाएंगे तो और बढ़िया प्रेसिपिटेट हमें डीएनए का मिलेगा विथ गुड क्वालिटी, है ना। तो वो भी एक तरीका है, स्टैंडर्ड मेथड, क्लियर।